नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, लोकसभा के नतीजे के बाद अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में हरियाणा में किसे मंत्री बनाया जाए और किसे नहीं, यह चर्चा आजकल जोरों पे है। किसको मंत्री बनाना है या नहीं बनाना, ये प्रधानमंत्री का एक विशेष अधिकार होता है। मगर फिर भी समाचार पत्रों और मीडिया तथा राजनीतिक हलकों में अटकलों का बाजार इस समय गर्म है। हम पल पल के दर्शकों को बता दें कि हरियाणा में संभवतः 3 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। जैसा कि आपको बता दें कि पहले लोकसभा में 2 सदस्य राव इंद्रजीत सिंह व कृष्ण पाल गुज्जर व राज्यसभा के 1 सदस्य चौधरी वीरेंद्र सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। लेकिन इसी प्रकार नए मंत्रिमंडल में भी 3 सदस्यों को लिया जा सकता है। हरियाणा से लगभग 4 माह बाद चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में मंत्रिमंडल के किन सदस्यों को लिया जाएगा, उसका विशेष ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि क्षेत्रवाद के साथ साथ जातिवाद के हिसाब से भी मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। पलपल का मानना है कि हरियाणा से सबसे अधिक या ज़्यादा अधिक बदलाव आने की कोई संभावना नहीं है। राव इंद्रजीत, जो कि हरियाणा विधानसभा की 1 दर्जन सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं तथा अहिर वालों के इसी जाति से आते हैं, उसे मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। इसके साथ साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह अथवा उनके सांसद बेटे विजेंद्र सिंह को जाटों के प्रतिनिधित्व के लिए मंत्रिमंडल दिया जा सकता है। वहीं तीसरा मंत्री कौन होगा, इसको लेकर के अभी संशय बना हुआ है। मगर इसकी भी एक सबसे अधिक संभावना यही है कि कृष्ण पाल गुज्जर को मंत्री बनाया जाए। तो इस प्रकार से हरियाणा में 3 मंत्री लिए जाएंगे तथा ये 3 होंगे राव इंद्रजीत सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह अथवा उनके बेटे विजेंद्र सिंह व कृष्ण पाल गुज्जर। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।